जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने के लिए सीकर के खाटू श्याम जी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक एवं जिला महामंत्री ने भाग लिया। स्थानीय खाटू श्याम जी में श्याम चरण धर्मशाला में आयोजित सत्र में सर्वप्रथम माँ भारती के चित्र पर राघवाचार्य महाराज रेवासा, प्रदेश कार्यकारिणी आदि ने पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की गई और शहीद CDS बिपिन रावत और जवानों को पुष्प अर्पित कर 2 मिनट मौन रख कर श्रद्धांजलि दी गई। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की आज हमारी यहाँ पे खाटू श्याम जी में 2 दिवसीय कार्य समिति रखी गई है। पूरे प्रदेश के सभी जिलों से हमारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे मोर्चे भी हैं और हमारे दूसरे जितने भी विंग हैं, साधु संत सभी लोग का उद्घाटन सत्र में हमारे राघवाचार्य जी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत उनके हाथों से की गई और इस सत्र का मकसद, या मैं सोचती हूँ कार्य समिति का मकसद यही है कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो अपने पूरे राजस्थान में अपने विंग को तैयार कर लिया है, तो हमारे 2 महीने के बाद एक हम भारत माता यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में। उस यात्रा हेतु सबका कैसा योगदान रहेगा, संगठन की क्या स्थिति है, पूरे राजस्थान में हर जिले में संगठन का निर्माण हुआ या नहीं हुआ, ये सारी बातों का आज हम 2 दिन हम लोग यहाँ विचार विमर्श करेंगे और जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे ये दबाव बना रहे हैं हम लोग कि 2 चाइल्ड पॉलिसी शीघ्र लागू हो, क्योंकि 2 चाइल्ड पॉलिसी जब तक लागू नहीं होगी तब तक देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा वही है। इसलिए उस बाधा को समाप्त करने के लिए पूरी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन आज यहाँ इकट्ठी हुई है और निर्णय विचार विमर्श करके जो मंथन करके निकलेगा उसको हम लोग अपने राष्ट्रीय टीम को प्रेषित करेंगे।